अपनी उंगली कैमरे के सही बटन पर रखी है ना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, यू डोंट वरी। मैं क्या है कि एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, हर मोमेंट जरूरी है प्रूफ के लिए। आप गणेश हैं? हाँ, क्यों? गणेश भाई, मेरा नाम हुसैन है, ये मेरी बीबी जरीना है। हमको एक बच्चा चाहिए, मतलब हम एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं। देखिए ना, कई साल हो गए शादी को, हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार कर लिया, लेकिन औलाद का मुंह नसीब नहीं हुआ देखने। इधर कहाँ को है भाई, ये हॉस्पिटल है मेरे भाई, यहाँ बच्चा नहीं मिलता गोद लेने को, किसी एजेंसी में जाओ ना। नहीं नहीं भैया, देखिए उधर उधर बहुत चक्कर है, उधर 50 फॉर्म भरने को बोलते हैं, 50 सवाल करते हैं, ये लफड़ा वो लफड़ा, हम वो सब नहीं पढ़ना है। आप ही कोई रास्ता बताओ ना, आप चाहेंगे तो हमारे घर में एक बच्चा आ जाएगा, तो आप कुछ बताइए ना। देखिए मैं पैसा देने को भी तैयार हूँ, बताइए कितना पैसा लगेगा? 50,000? कैसे आदमी हो यार तुम, बोलो ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये सब नहीं होता इधर। नहीं नहीं गणेश भाई सुनो, आप चाहेंगे तो हो सकता है, आप एकदम से ना मत बोलो, थोड़ा सोच के बात करो ना। आप इंतजार करने से क्या फायदा है, उसने तो मना ही कर दिया ना। तुमने उसकी ना सुनी लेकिन उसके चेहरे पे खुशी नहीं देखी, वो जरूर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जरूर आएगा, आई एम श्योर। बटन ऑन था ना मगर कैमरे का? ऑन था, ट्रस्ट मी। देखना इस किटी में सिर्फ मस्ती होगी, नो रोना धोना एंड नो झगड़ा, और आज हम लोग पत्ते खेलेंगे, थोड़ा सा जुआ हो जाए। यू मीन फ्लैश? यप, नॉट अ बैड आइडिया। वैसे तो हम लोग किटी में नॉर्मली खेलते नहीं है, बट वी कैन ट्राई इट। एंड कौन कहता है कि सिर्फ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, रोने के साथ साथ हंसी मजाक भी तो हुआ करता था। ओह गॉड, मैं यहाँ पत्ते बांट रही हूँ और तुम लोग पुरानी बातों में चले गए। चलो कम ऑन, लेट्स प्ले कार्ड्स, मेरी ब्लाइंड। हाय, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे थे, सोचा एक आध बाजी हो जाए, आओ जॉइन। अच्छा, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही पत्ते खेल रहे थे। मुझे तो लग रहा है वसुंधरा यहाँ एक किटी हो रही है। A very private kitty, isn't it? Sudhir, तुमसे एक बात करनी थी। तुम अभी तक गुस्सा हो? नहीं। तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? देखो सुधीर, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। I'm sorry, I'm really sorry. ठीक है। देखो तुम्हें हर्ट करने का मेरा इरादा नहीं था। प्लीज, अब कहने या सुनने लायक कुछ नहीं रहा। हस्बैंड वाइफ के बीच छोटी मोटी बातें होती रहती है सुधीर। हस्बैंड वाइफ कहाँ, तुम टीवी की टॉप सुपरस्टार और मैं एक छोटा सा रियल एस्टेट एजेंट, हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, अब नहीं। प्लीज डोंट से दैट, मत कहो ऐसे। प्लीज यार, मैं नहाने जा रहा हूँ। Ladies perfume?